तो तुरंत मेरे शोन अंत है मेरे प्यार तो पेश तमर सामने आज विशेष आज मैं तमर लह लिबर एर वो घर जिस घर में कपड़े की दुकान किराने की दुकान और गोट दर्जी की दुकान खोलमा चाह की दुकान वन्नमा। तो इस तरह से एक मॉल कॉन्सेप्ट उस जमाने में दरकोट गांव में हुआ करता था और वो घर पतसी कोक थी स्वर्गीय श्री बाला सिंह पांगती जी की। तो एक बार जोरदार तालियां स्वर्गीय श्री बाला सिंह पांगती जी के लिए। तो कई सालों तक दरकोट गांव के सभापति रहे, बहुत कर्मठ थे, बहुत मेहनती थे। जब लोग बाग उनके घर में आते थे, बाल चलो युदिता, बालबू युदिता, बालका युदिता, सभी को देते रहते। जिन लोगों ने पैसे दिए धन्यवाद, जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए देखने बे, जब भले दिए हा। तो इस तरह से आर्थिक रूप से उन्होंने सभी की सहायता किया। आज भी गांव के लोग उनको भूले नहीं है, गरीबों के मसीहा कहलाए गए स्वर्गीय श्री बाला सिंह पांगती जी। तो आइए मैं आपको वो घर दिखाना चाहता हूं जिस घर में एक उस जमाने का मॉल कहा जाता था। तो ले चलते हैं दरकोट का वो घर। तो वो यही मकान है जिस मकान में किराने की दुकान, कपड़े की दुकान और गोठ मा दर्जी दुकान और खोलो बगल मा चाह दुकान। कितनी चहल पहल इस घर के आंगन में लगे रहती होगी आप अंदाज करा सकते हैं। तो चाह दुकानी चलाने वाले बे उन भे क्यों नो बो किशन सिंह पांगती वनर बाद बिज्जू पांगती उन्हें चाह दुकान चलानी बे। और जो दर्जी दुकान चलानी बे अमरू दर्जी कही जानी बे अजीद है अमरू दर्जी का पार शिल्नर है अमर राम। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कितनी चहल पहल लगी रहती होगी। तो उनके सुपुत्र श्री नवराज पांगती जी ने मुझे अवगत कराया कि जब उन्होंने होश संभाला तभी से उन्होंने इस मकान में कपड़े की दुकान किराने की दुकान अपने पिताजी को चलाते हुए देखा और ये दुकानदारी 2007 तक चलती रही। दुकानदारी के साथ वे कई वर्षों तक ग्राम दरकोट के सभापति रहे और उन्होंने अपने ग्राम में बहुत से कार्य किए। आप हमेशा ही समाज सेवा और गरीबों की भलाई करने में अग्रिम रहे। पूरे मुंशारी क्षेत्र के लोग आज भी उनके नेकी और पुण्य कार्य हेतु स्मरण करते हैं। गरीब मजदूर शोषित लोगों की आर्थिक सहायता हेतु हमेशा तैयार रहते थे, दान पुण्य का कार्य निरंतर करते रहते थे। वनर बरियाद भय हर की देवी दगार हर की देवी रावतनक ध्यान भय चंद्र सिंह रावत डोटिला वासी गबरियाल राठ उनकी पुत्री हुई। वनर तीन चलान और द्वी चलिन भय सबसे ठुलचौल कुंदन सिंह पांगती जो डॉक्टर बन वनर बाद चेल दमयंती वनर बरियाद बिजालन मा भय पर नौनचल चंद्रा वनर बरियात मूर्तियानंद है पर नौनचौल नवराज पांगती जो रेलवे में छ और सबसे निकोश कविंदर पांगती जो भारतीय जीवन निगम में छ। वे हमेशा ही बहुत मेहनती रहे और बुढ़ापे में भी खूब दौड़ धूप कर कार्य करते थे। जब शरीर ने साथ नहीं दिया फिर वे अपने बेटे श्री नवराज पांगती जी जो उस समय बरेली में पदस्थ थे उनके यहाँ पर आए। करीब 5-6 महीने वहाँ रहे, शरीर बहुत ही कमज़ोर हो गया था और 7 मई 2007 को उनकी मृत्यु हो गई। पूरा क्षेत्र उनके मृत्यु के समाचार सुनने के बाद शोकाकुल हो गए। आपको दिखाना चाहता हूँ वो फोटो जो फोटो वो सभी लोग पसंद करते हैं। वाह क्या फोटो है। तो ये फोटो भी इसी घर के गोन में खिंचुबे और वो गोन ये रहा। तो जैसा कि हमें गोन छ यतर गोन में और यू गोन में बशासन कि हमें के बहरन दरकोटा महन। तो सबसे पहले इमा जो बसु छ बॉम्बट नथी जी तेज सिंह नैन सिंह जो बशा से पल्ली हारिमा
वाबी में तिमथ बतौन दोहर हरिमा हिमालय जी रुद्र सिंह हयात सिंह दुकानदार वनर पहबी बॉम्बिट बाला सिंह दुकानदार जोनर यू मकान भय वनर बगल मा बशासन तिलरोक सयाना उत्तम सयाना वनर पहबी बशासन गोविंद सिंह मोहन सिंह जगत सिंह और वनर पहबी बशासन पुरमल सयाना कुंवर सिंह। तो आज चेषा पूरा हाल ये कुर्चे जुमा उदी चहल पहल लगी रंचे आज पूरा हाल यशहर है। अब मुंशहरी में हर गांव में इसी तरह का हाल घरों का होता जा रहा है। जोहर का हाल तो हम देख ही चुके हैं, वहां पर सभी घर खंडहर हो चुके हैं। तो मेरा अपील है, आओ फिर से अपने खंडहर मकान को पुनर्जीवित करें। उनकी पत्नी श्रीमती हर की देवी ने उनका भरपूर सहयोग दिया, हर सुख दुख में उनका वो साथ खड़ी हुई। आज भी हर की देवी अपने पारंपरिक संस्कृति को, पारंपरिक कार्य करने की पद्धति को वो भूली नहीं है। आज जिदे छुजो कातन चैशा। तो हर की देवी पांगती अपन नौंचौल नवराज पांगती जीव दाकारन 95 वर्ष की हो गई हैं, अभी भी अपने काम काज में लगी रहती है। अपन चौल थकन चलो चल मेर लहल रुई लह दे मैं हुईल छुजो कातुन और दिया बाती बनौल। तो नवराज पांगती जीव में है बताए कि जब दह बाती बन जान तो सब गाँव वालन थे उन दिनी भय और भगवान दुर्गा मैया दरबार में वन दियो बाती अजीत महन झलौनन। तो चेषा करी बढ़िया के उन छुजो कातना। तो एक बार जोरदार तालियां। तो किमी लाइक टीम थे भल लगी। तो इसी तरह से चेचेवा चैनल में जोहार मुनशारी की बातें करते रहेंगे। तो की कला टीम में दगर चेचेवा।